हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री साइकिल लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वाले डिजिटल मीटर के बारे में जो बाइक में या फिर साइकिल में आप लगा सकते हैं। अगर आपका बाइक का मीटर ख़राब है या फिर आपका एनालॉग मीटर है, आप डिजिटल करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी गैजेट को आप लगा कर डिजिटली आपका मीटर में देख सकते हैं कितना स्पीड में आपका बाइक जा रहा है। तो इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर हम लोग दिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ओनली स्पीड नहीं है, इसके साथ किलोमीटर, टाइम, घड़ी, ये सब बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है, तो हम दिखाएंगे आगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ क्या क्या आया था। ये वाला एक सेंसर आया था, तो ये जो है मीटर इस बॉडी में ऐसे बैठता है। फिर ये जो सेंसर पार्ट है ये व्हील के पास रहता है, और व्हील में एक मैग्नेट रहता है, वो व्हील घूमता है तो मैग्नेट सेंसर के पास जाती है, तो वो सेंस करता है व्हील कितने बार घूमा, और उससे ये स्पीड दिखाने लगता है। तो देखिए ये स्पीड लगभग एक्यूरेट है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर में लगभग सेम ही दिखा रहा है, देखिए। तो चलिए एक मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग रात में भी बाइक चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई बैकलाइट नहीं है। हम लोग इसके डिस्प्ले को खोल के बैकलाइट लगाने वाले हैं। तो इसका बोर्ड इस तरह सा दिखता है, और इसके अंदर ये वाला जो डिस्प्ले है इसके पीछे एक शाइनी फिल्म लगाया गया है जो लाइट को, बाहर से आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमें इस वाली फिल्म को निकालना होगा। पहले मैंने इसको निकालने के लिए ब्लेड का यूज़ कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लेड से दूसरा लेयर भी कट सकता है, इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप नाखून से इस तरह से एक कोना वाला पार्ट को निकाल लेना, उसके बाद उसको टान के पूरा फिल्म का आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। बहुत सावधानी से काम करना, आपका डिस्प्ले ना टूट जाए, इसमें ज़्यादा फोर्स मत लगाना बिल्कुल भी। फिर से एक बार टेस्ट कर लेना कि ये चीज़ चल रहा कि नहीं। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर टेस्ट कर लूँगा, ये देखिए ये चीज़ चल रहा है, तो मेरा डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर बैकलाइट हमें कहाँ मिलेगा, फ़ोन के डिस्प्ले के पीछे। फ़ोन के डिस्प्ले में बहुत अच्छा बैकलाइट रहता है, और इसमें देखिए तीन चार लेयर रहता है, इसी से बैकलाइट क्रिएट होता है। उस डिस्प्ले के पीछे थोड़ा सा ग्लू था, देखिए ये चिपक रहा है, तो इस ग्लू को हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब दिखेगा। तो इसलिए हम केरोसिन का इस्तेमाल करेंगे, केरोसिन से ये ग्लू डिजॉल्व होता है और ये निकल जाएगा। थोड़ा सा आपका काम है, जस्ट इस तरह से केरोसिन को यहाँ पर दे के थोड़ा सा घिसना, तो ये ग्लू जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। तो उसके बाद ये पूरा क्लीन बन जाएगा इस तरह का, उसके बाद ही आप लोग इसके पीछे बैकलाइट लगा सकते हैं। देखिए मैंने फिर से टेस्ट कर लिया, ये ख़राब नहीं हुआ केरोसिन देने के बाद भी। अब चलिए इस बैकलाइट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको काटना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग शेप देख लेंगे किस तरह से काटेंगे। तो यहाँ पर जगह बहुत ही कम है, तो हमें थोड़ा सा क्लेवर तरीके से काटना पड़ेगा। यहाँ पर LED भी इंस्टॉल करना है, वो डिस्प्ले की रेंज से बाहर रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह का एक थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन काट लिया। फिर साइड साइड में हम लोग ऐसे काट लेंगे, कुछ इस तरह के शेप बनाएंगे। उसके बाद राइट साइड में जो एक्सेस हिस्सा है उस प्लास्टिक का, वहाँ पर इस LED को ऐसे फिट करना होगा कुछ इस तरीके से, इस जगह पर। तो ये यहाँ से LED लाइट मारेगा और ये पूरा डिस्प्ले में लाइट दिखेगा। तो हम लोग एक LED को ले लेंगे, दोनों का ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो सबसे लास्ट में ये वाले पार्ट पीछे वाली, उसके बाद ये प्लास्टिक रहेगा, तीन लेयर रहेगा टोटल में, और जो सामने वाली फाइनल पार्ट ये वाला डिफ्यूज़र। ओके, जैसे मोबाइल के डिस्प्ले में रहता है बिल्कुल उस तरह से हमें फिट करना पड़ेगा। और LED से दो तार लगा के एक 1 किलो हम रजिस्टर लगा दिया, तो 12 वोल्ट में ये इस तरह से चलता है। तो ये कैमरा में थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है एक पोर्शन, लेकिन आँखों में देखने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मली अच्छा ही दिखता है। तो अब बैकलाइट हो गया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके अंदर एक कंप्यूटर है, मतलब कि एक प्रोसेसर है जो कंप्यूट करता है आपका व्हील कितना बार घुमा इस सेंसर के डाटा से। आपका व्हील के साथ सेंसर रहता है, तो एक एक बार व्हील घुमा तो इस सेंसर एक एक बार डाटा देगा, तो उसी से ये कैलकुलेट करता है। और ये जो सेंसर है ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक रीड स्विच है, जो मैग्नेट पास आने से ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाती है। और इसका जो मैनुअल बुक है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैसे इसको सेट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैंने सेट कर दिया मेरा बाइक के साथ। अब ये दो तार जो निकला, ये बैकलाइट का तार, इसके अंदर हेडलाइट जलने पे जो मीटर के अंदर लाइट चलता है ना, उसका कनेक्शन से इस दोनों कनेक्शन को हमें लेना होगा। तो माइनस बॉडी से मिल जाएगा, प्लस वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको अभी कनेक्ट नहीं किया, बाद में कर लूँगा। अब इसके अंदर की जो बैटरी है उसको खोल के जब पहली बार बैटरी लगाते हैं तो इसकी स्क्रीन में एक नंबर दिखता है, वो 2060 के आसपास है। ये होता है आपका व्हील का पेरीमीटर, मतलब कि आपका जो बाइक का चक्का है वो एक बार घूमने पे कितना डिस्टेंस जाता है,
वो ये दिखाता है। तो ये इस मीटर में इनपुट करना पड़ेगा। मेरा बाइक में क्या था, 185 सेंटीमीटर था, इसलिए मैंने 1850 मिलीमीटर में दे दिया। और यहाँ पर जो मीटर में पहले से हमारा किलोमीटर चला हुआ है 4460 के आसपास, तो उसको हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो इस वाले स्विच को दबाते जाएंगे तो एक टाइम पे यहाँ पर देखिए ओडो लिखाएगा, ये ओडो मीटर का लिखा है। और राइट साइड का जो की है उसको 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो सेटिंग का मोड आएगा, 4462.2 हमें डालना पड़ेगा। तो 0.2 कर दिया। अब इस तरह से आपको एक एक नंबर को सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 सेट कर दिया, अब ये होगा 6, तो ये 6 कर दिया, बाकी दोनों 4 होगा। तो इस तरह से आप लोग लेफ्ट और राइट साइड की दोनों की के मदद से इसको सेट कर सकते हैं। बेसिकली सारे सेटिंग ये दोनों ही बटन से हो जाती है। उस वाले जो मैनुअल था ना उसमें लिखा हुआ है कौन सी सेटिंग कैसे करना है। अब चलिए एक राइड दिखा देते हैं आपको किस तरह से ये काम करता है, एनालॉग और डिजिटल साथ में कोलोरेट करता है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो मीटर का रीडिंग है ये लगभग सही है, 0.1 का गलती आया है इसमें। तो अगर आप व्हील की पेरीमीटर ठीक से मापते हैं तो ये आपका ठीक ही दिखाएगा। अब देखिए सेंसर को कैसे इंस्टॉल किया, यहाँ पर चक्का के साथ मैंने मैग्नेट और सेंसर दोनों को इंस्टॉल कर दिया इस तरीके से। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट आपको करना होगा। तो मैंने यहाँ पर तार दे के बांध दिया, आप कोई भी किसी भी तरीके से ग्लू वगैरह लगा के लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये चीज़ खरीदना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मुझसे बात करना है तो हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा दूसरा वीडियोज भी देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।